Guys, just When one you minute. when you Actually, the paint is not displaying here. I don't know why. What happened? The slide is going. Once I'm just okay. So JNU SSS 2011 question number 96 है, ठीक है? In situation one, the price of X is twice as the price of good Y, ठीक है? तो prices suppose कि मेरा PX और PY दो goods के prices के दाम है, okay? So X का prices जो है ना twice the price of good Y, ठीक है? मतलब कि जो PX है ना वो equal to 2PY के बराबर है. Twice the price of a good buy, and the consumer is spent his entire income on buying the 6 unit of good X and 20 unit of good Y in situation 1. Okay, so main yahan pe likhta hu situation 1. Situation 1 mein kya hai ki 6 unit of good X, main kitna unit kharidta hu 6, aur kitna iska daam hai PX, price itna plus, aur Y main kitna unit kharidta hu 20, aur Y ka price kitna PY is equal to income. Suppose let income is M. Okay. In situation 2, the consumer income is double of his income in the situation 1. Okay. So ab yahan pe kya ho raha hai ki iska income double ho gaya situation 2 mein. Okay. Double of his income in situation 1, the price of good Y is twice as the price of good. The price of good Y is twice the price of good Y in situation 1. Situation 1 mein jo price is the PY, ab uska double ho gaya in situation 2 mein. Theek hai? Situation 2 mein. To situation 2 mein ab yahan pe 2PY ho gaya. Yahan pe mera initial PY tha. Ab yahan pe 2PY ho gaya. Theek hai? Ab is 2PY jab ho gaya to hum kitna unit khareed pa rahe hain? X is the same as the situation. Yahan pe same hum khareed pa rahe hain. Same as the situation, but the consumer want to continue consuming 20 unit of Y. अब यहाँ पे 20 unit of Y जो है,
ये कंज्यूम कर रहा है. ओके ओके 20 यूनिट ऑफ द कंज्यूम वाई इन द सिचुएशन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड एक्स दैट ही कैन परचेज इन द सिचुएशन टू. सपोज कि यहाँ पे एक्स यूनिट जो ही खरीद रहा है इन टू प्राइसेस पी एक्स. ठीक है, ये दो इक्वेशन है गाइज, बस इसी को आपको मैनिपुलेट करके सॉल्व करना है. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सिचुएशन वन में दे रखी थी कि जो भी प्राइसेस है ना गुड एक्स का, तो मैंने सपोज किया कि ये मेरा गुड एक्स वन है और ये मेरा गुड एक्स टू है. ठीक है, या फिर वाई है, सपोज दिस इज एक्स और दिस इज वाई. ठीक है, और जो वाई एक्स का जो दाम है ना वो दोगुना है वाई का, सो पी एक्स इज इक्वल टू टू पी वाई. ओके, तो मैंने बस उसका बजट लाइन लिखा कि मैं 6 यूनिट खरीद रहा हूँ इस सिचुएशन वन में जब मेरा एक्स के प्राइस ट्वाइस हो रहे हैं वाई के. ठीक है, तो दैट इज 6 पी एक्स प्लस 20 यूनिट ऑफ गुड वाई, दैट इज 20 पी वाई इज इक्वल टू एम. ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, पहला इक्वेशन. अब मैं दूसरे सिचुएशन पे मूव कर रहा हूँ. दूसरे सिचुएशन में बोल रहा है कि कंज्यूमर जो है इनकम उसका डबल हो रहा है, दैट इज 2m. ओके, डबल हो गया इसका इनकम, ऑफ हिज इनकम इन सिचुएशन वन. द प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइसेस ऑफ गुड वाई इन सिचुएशन वन में क्या था इसका प्राइस, पी वाई. अब सिचुएशन टू में इसी का हो गया टू पी वाई, तो मैंने टू पी वाई लिख दिया. ये इसका प्राइस हो गया, कितना यूनिट खरीद रहा है, 20 यूनिट. तो आपको बताना है कि एक्स कितना यूनिट खरीदेगा इन सिचुएशन टू में. ठीक है, एक्स कितना यूनिट खरीदेगा इन सिचुएशन टू पे. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. बस आपको वैल्यूज दे रखे हैं, जस्ट पुट करना है. तो मैं यहाँ से एक बार लिख लेता हूँ कि इन सिचुएशन वन ओके, समवन इज आई थिंक ओके. सो ओके, सो इन सिचुएशन वन आई जस्ट राइट इट प्रॉपरली, सिचुएशन वन. ओके, सिचुएशन वन, तो सिचुएशन वन में क्या था कि एक पी एक्स था और दो दूसरे गुड्स के दाम क्या था, पी वाई था. बट मुझे दे रखी थी कि जो भी पी एक्स का दाम है ना वो इक्वल टू टू पी वाई के बराबर है, ये मुझे दे रखी थी. और मैंने ये भी निकाला था कि एम इज इक्वल टू 6 पी एक्स प्लस 6 यूनिट में खरीद रहा था और दैट इज इक्वल टू 20 पी वाई. ओके ओके, सो एम इज इक्वल टू 6. अब पी एक्स के जगह में गाइज मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ. ठीक है, पी एक्स के जगह में दैट इज 2 पी वाई, मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा. 12 पी वाई प्लस 20 पी वाई. ओके, तो एम इज इक्वल टू 32 पी वाई बन गया पहला इक्वेशन. अब मैं मूव कर जाता हूँ गाइस सिचुएशन टू पे. सिचुएशन टू पे मेरा क्या था कि मेरा इनकम डबल हो गया, 2m हो गया, और प्राइसेस मेरा वाई का 2py हो गया और एक्स का तो एज इट इज ही रहा. तो मैं लिखता हूँ इसको 2m इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस, और मैं कितना यूनिट खरीद रहा था, 20 इंटू प्राइसेस ऑफ वाई. वाई का प्राइसेस की कितना हो गया, 2py हो गया, तो 2py मैंने यहाँ पे लिख लिया. सो 2m इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस 40 py. ओके, 40 py. ओके, सो मैं अब यहाँ पे m, अब गाइज यहाँ पे m है, अब मैं यहाँ पे m का वैल्यूज मैं ये वाला पुट कर दूंगा क्योंकि ये भी m ही इक्वल टू है. सो 2 इल टू m, और ये m इक्वल टू क्या है, 32 py. सो 32 py इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस 40 py. ओके, 40 py. ओके, तो मैं जब इसको थोड़ी सी सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा 24 py इज इक्वल टू एक्स पी एक्स. ओके, एक्स पी एक्स, ठीक है, एक्स इंटू पी एक्स. सो 24 py एक्स इंटू गाइज पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 py. तो 2 py मैं बैठा दूंगा, सो पी वाई कैंसिल. सो एक्स इज इक्वल टू आपका 12 यूनिट जो है वो खरीदेगा. ठीक है, 12 यूनिट खरीदेगा, सिंपल. ओके, जस्ट थोड़ी सी गाइज यहाँ पे मैनिपुलेशन है, सॉल्व इक्वेशंस को जो है आपको सॉल्व करना है.
थोड़ी सी वैल्यूज को पुट करके, ओके तो मैंने x इज इक्वल टू 12, तो उसका आंसर 12 होगा। ओके एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? तो आपने जो पिछला मेथड से करवा रहे थे उसमें डायरेक्ट इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 2 नहीं कर सकते थे सर? हाँ डायरेक्ट, अब आपको जब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप कैसे भी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने थोड़ा सा इसको मैंने मतलब सीरियल वाइज किया ताकि हर किसी को समझ में आए, तो मैंने बस उसी को थोड़ी सी मैनिपुलेट करके मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, सेम चीज़ है, आप खुद सोचिए ना कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ना, और mm तो मेरा कैंसिल ही हो जाएगा। ओके या और किसी को डाउट? ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू हैव नॉट एनी डाउट। ओके सो ISI 2004 PEB क्वेश्चन नंबर 1। ओके आपको एज दे रखी है कि द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड x एंड y, हर यूटिलिटी फंक्शन x इक्वल टू y। गाइज ये मेरा कौन सा है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, और बजट कंस्टेंट भी मुझे दे रखी है, पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वेयर पी इज द प्राइस ऑफ द गुड और पी का वैल्यू 1/2। जब मैं ये प्राइस इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पुट करूँगा, आई डोंट नो कि वाई द पेन आज यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है। ओके तो जब मैं यहाँ पी 1/2 पुट करूंगा, सो 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने जस्ट गाइज ये पुट किया, मैंने क्वेश्चन में दिया था पुट किया, तो मुझे ये मिला। ये मेरा क्या है गाइज? बजट कंस्ट्रेंट। यूटिलिटी फंक्शन गाइज मुझे क्या दे रखी है? x प्लस वाई, और ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है। जब भी परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है तो उसका तीन केस बनता है, बजट लाइन लेस देन इक्वल टू, मीन्स द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज लेस देन इक्वल टू लेस देन द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, पहला केस। दूसरा केस, स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, उसका तीन केसेस बनता है। ओके तो गाइज मुझे दे रखी है कि यू इक्वल टू एक्स वाई, तो मैंने आपको बोला था कि स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप ऑफ ICs। अगर मुझे IC का स्लोप निकालना, कोफिशियंट ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ y 1 1, तो मुझे IC का स्लोप कितना मिला? 1। अब मैं निकालता हूँ गाइस बजट लाइन का स्लोप। बजट लाइन का स्लोप क्या होगा? कोफिशियंट ऑफ x 1/2 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y दैट इज 1। तो मुझे बजट लाइन का स्लोप गाइस क्या मिला? 1/2। तो मुझे मालूम चला कि बजट लाइन का स्लोप कम है ना इंडिफरेंस कब से, क्योंकि ये हाफ है इसका स्लोप और इंडिफरेंस कब मेरा 1 है। ठीक है, तो जब बजट लाइन का स्लोप लेस देन इंडिफरेंस कब होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में, तो उस टाइम गाइस जो भी कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है टोटल एक्स को। ये वाला ग्राफ गाइस, ये वाला, सपोज कि दिस इज माय इंडिफरेंस कर्व, ओके दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये मेरा स्लोप इसका 1 है। ठीक है, ये मेरा स्लोप 1 है, सपोज दिस इज द बजट लाइन। वन सेकेंड, मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके तो मुझे यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखी थी और मैंने इसका स्लोप निकाला था दैट इज 1। उसी तरह से मैंने स्लोप ऑफ बजट लाइन निकाला था हाफ, तो मुझे पता चला कि जो बजट लाइन का स्लोप है वो लेस देन इंडिफरेंस कर, और जब ये केस होता है तो कंज्यूमर, लिख लीजिए इसको कि कंज्यूमर कंज्यूम ऑल ऑफ एक्स, सारे के सारे वो एक्स गुड को कंज्यूम करेंगे, वाई को नहीं। क्यों? अब इसके मैं रीज़न को देखता हूँ। ठीक है, तो सपोज कि दिस इज माय बजट लाइन, इसका स्लोप हाफ है ना, तो सपोज समथिंग लाइक हाफ यहाँ पे होगा, सपोज दिस इज 2 and 4, हाफ इसका स्लोप हो गया। ओके गाइज, ओके मुझे दे रखी है, बट मुझे चाहिए 1। ठीक है, 1, ठीक है 1, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे इसकी फ्लैक्चुएट होगी 1। ठीक है, कुछ इस टाइप के आएंगे, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, तो ये सारे के सारे कंज्यूम यहाँ पे कर जाएगा। ओके ऑल ऑफ एक्स, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होता है। ठीक है, अगर इसी केस में अगर बजट लाइन ग्रेटर देन इंडिफरेंस करवाता तो कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ वाई,
सारा का सारा वाई कंज्यूम करता और एक्स इक्वल टू जीरो कंज्यूम करता, और बजट लाइन इज इक्वल टू अगर इंडिफरेंस कर होता तो वो ऑन द बजट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी कंज्यूम कर सकता था। ठीक है, जो बेसिक गाइस जो प्रॉपर्टी है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा बजट लाइन का स्लोप लेस देन इंडिफरेंस कर गया तो मुझे मालूम चला कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ऑल ऑफ एक्स पे। जब ऑल ऑफ एक्स पे गाइस अगर वो कंज्यूम करेगा एक्स स्टार कॉप डिक्लेयर एक्स स्टार, ठीक है, तो एक्स स्टार का क्या होगा, दैट इज एम बाय पी एक्स। सारा का सारा वो कंज्यूम कर लेगा क्या, एम बाय पी एक्स। ठीक है, और वाई कुछ भी नहीं, वाई इक्वल टू जीरो। अब ये कहाँ से आया गाइज, मेरा इक्वेशन था m इज इक्वल टू एक्स पी एक्स वाई पी वाई। तो जैसे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड हुआ तो मैंने बोला कि कंज्यूमर सारा का सारा x कंज्यूम करेगा, y नहीं, तो y मेरा जीरो आ गया, जीरो इंटू समथिंग पी वाई, तो ये टर्म जीरो हो गया, बचा कितना x, तो x इज इक्वल टू m बाई पी एक्स होगा ना, तो सारा का सारा कंज्यूमर कहाँ कंज्यूम करेगा, x इज इक्वल टू m बाई पी एक्स। ओके, m बाई पी एक्स, तो ये मेरा x स्टार निकला गाइज। अब मुझे पूछा गया क्या कि इलास्टिसिटी बताइए कि इलास्टिसिटी क्या है। ओके, सो इलास्टिसिटी का गाइस क्या फॉर्मूला होता है, डेल एक्स बाय डेल पी इंटू पी बाय एक्स। तो जब मैं इसको डेल एक्स, इसी को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा डेल एक्स बाय डेल पी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से गाइस मेरा जो हमको मिलेगा दैट इज माइनस एम बाय टू पी स्क्वायर एक्स इंटू पी पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या है, एम बाई पी एक्स। ठीक है, तो देखना गाइस ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, सारा का सारा ये कैंसिल है टू पी एक्स। ठीक है, तो देखना ये सारा सारा कैंसिल होके इसका वन आ जाएगा। ओके, सो द एब्सोल्यूट वैल्यूज इसका पूछा है, बट यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे मैं मॉडुलस चढ़ा के इसका वन लूंगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो है वो मेरा आएगा वन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज वन। ओके, सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मुझे यूटिलिटी फंक्शन दे रखी थी, मुझे बजट कंस्टेंट भी दे रखा है, तो बजट कंस्टेंट यहाँ पे पी का वैल्यू जैसे मैंने हाफ पुट किया, मुझे मालूम चला कि जो मेरा बजट लाइन का स्लोप है इक्वल टू हाफ, ये हाफ के बराबर है, बट इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मुझे वन पता चला। तो ये कंडीशन जब भी होता है बजट लाइन लेस देन इंडिफरेंस कर्व, किस केस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ओनली एक्स। ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ओनली एक्स, तो मुझे एक्स स्टार इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा, एम, जैसे ये वाला मेरा बजट लाइन क्या था, m इज इक्वल टू, ठीक है, m का वैल्यूज कितना 10, तो मैं इसी को उतारता हूँ गाइस कि p का वैल्यूज मैं जैसे यहाँ पे हाफ पुट किया, हाफ x प्लस y इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये अब मैं नहीं करूँगा y, तो मुझे टोटल मुझे अब कितना होगा x, मैं सारा का सारा x मैं कंज्यूम कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने उसी को m और px के मैंने इसको फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, तो x स्टार इज इक्वल टू एम बाय टू पी एक्स। ओके, उसी तरह से फिर मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डेल एक्स बाय डेल एम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे इसका आएगा डेल एक्स बाय डेल एम के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एम बाय टू पी स्क्वायर एक्स। तो मुझे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल एक्स बाय डेल पी इंटू पी बाय एक्स, बस सारे के वैल्यूज को आपको पुट करना है, तो जैसे पुट करेंगे माइनस वन आएगा, बट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके, ऐसे आईएसआई के क्वेश्चन है, थोड़ी सी लॉजिकल आपको लगानी पड़ेगी, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के किस में आना चाहिए।
ओके ओके डीएससी 2005 क्वेश्चन नंबर 15। ओके क्वेश्चन नंबर 15 गाइस आपको दे रखा है कि बिजलीज मिस्टर बिजलीज हुज यूटिलिटी फंक्शन मीन मीन इज इक्वल टू ई वाई वेर ई इज हर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड डब्ल्यू इज हर कंजम्पशन ऑफ सपोज अदर गुड। ओके सपोज मिस्टर बिजलीज इनकम इज 10 एंड द प्राइस ऑफ द अदर गुड एंड इलेक्ट्रिसिटी आर 1-1 दोनों के प्राइसेस 1-1 है गाइज मुझे यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है क्या U इज इक्वल टू मीन ऑफ ई डब्ल्यू। ओके और जब भी गाइज ए होता है तो ये किंक बनता है ना किंक किंक एट ई इक्वल टू डब्ल्यू। जब भी मुझे ये फंक्शन दिया हुआ रहे याद होना चाहिए कि ये दोनों बराबर होता है गाइज लेफ्ट सू राइट सू ठीक है वो मेरा क्या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो आपको दोनों बराबर होनी चाहिए ना आपको जितने लेफ्ट सू चाहिए उतने ही आपको राइट सू चाहिए तभी आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर आपको सिर्फ मैं लेफ्ट सू अगर 10 दे दूँ अगर मैं आपको राइट सू 10 दूँ तो फिर आपको कोई यूटिलिटी नहीं आएगी ना इसीलिए उसका सेप गाइस इस टाइप के बनता है ना एल सेप। चाहे मैं आपको एक्स कितनों भी दे दूँ आप इसी पॉइंट पे रहोगे चाहे मैं आपको वाई कितनों भी ये दे दूँ बट एक्स में आपको इसी पॉइंट पे रखूँ तो आप इसी पॉइंट पे रहोगे इसीलिए जब मैं दोनों को बढ़ाऊँगा तब मुझे ये एल मुझे आगे की तरफ शिफ्ट होगी ठीक है। ओके सो इसीलिए ये दोनों बराबर होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में जो बेस्ट एग्जांपल राइट सू लेफ्ट सू ठीक है तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके ओके तो मुझे दे रखी है गाइस क्या कि बजट लाइन मुझे क्या दे रखी है कि दोनों के प्राइसेस कितने हैं 1-1 मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी और ये जो अदर गुड्स है उसके भी प्राइसेस मुझे 1-1 दे रखी है। ओके तो मैं सबसे पहले गाइस बजट लाइन को लिखता हूँ कि बजट लाइन मुझे क्या है सो 1 इंटू गाइज वही बोला एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल टू एम तो प्राइसेस 1 इंटू क्वान्टिटी इलेक्ट्रिसिटी ई सो ई इंटू वाई प्लस 1 इंटू इसका भी 1 है और मैं डब्ल्यू जो है मेरा मैंने इसको डब्ल्यू लिया और इसको ई से मैंने दो गुड था मेरा ठीक है तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसेस 1 और ये अदर गुड का जो प्राइसेस है उसका भी 1 इज इक्वल टू इनकम कितना है गाइस 10 तो मैंने 10 लिख दिया। ओके मैं 10 लिख दिया बट मुझे पता है कि ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एट अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में होता है तो मैं जस्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा तो दैट इज ई प्लस डब्ल्यू अब डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख लूंगा ई इज इक्वल टू 10 सो 2e इज इक्वल टू 10 सो ई इज इक्वल टू 5। ओके ई इज इक्वल टू 5। ओके ओके गाइज अब मैं थोड़ी सा आगे बढ़ता हूँ कि इन ऑर्डर टू कर्व मिस्टर बिजलीज इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अगर इसके बिजलीज बिजली इलेक्ट्रिसिटी को रोकना है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डिसाइड करती है कि यार इस पर सरचार्ज लगाया जाए 1 रुपीज ऑन एवरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन एक्सेस ऑफ 4 यूनिट मतलब कि अगर बिजली ठीक है ये नाम है इसका बिजली अगर बिजली इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंज्यूम करती है मोर देन 4 यूनिट तो उस पर 1 यूनिट का सरचार्ज लग जाएगा ठीक है इन एक्सेस ऑफ 4 यूनिट अगर वो कंज्यूम करती है तो उस पर जो है 1 रुपीज के सरचार्ज लग जाएंगे तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रिजल्टिंग रिडक्शन इन द मिस्टर बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये जो सरचार्ज पड़ी मिस्टर बिजली पे ठीक है आफ्टर सरचार्ज तो कितनी से रिडक्शन हुई उसकी कंजम्पशन पे बिफोर सरचार्ज एंड आफ्टर सरचार्ज में कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन पे चेंज हुई। ओके ये क्वेश्चन गाइस हमें दे रखी है। ओके ठीक है क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ठीक है तो ये मेरा सिचुएशन 1 था ई इक्वल टू 5 कब जब मुझे कोई सरचार्ज नहीं थी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विदाउट सरचार्ज पहला सिचुएशन 1 ये मेरा सिचुएशन 1। ओके अब मैं गाइस मूव करता हूँ सिचुएशन टू पे ओके सो मैं मूव करता हूँ गाइस सिचुएशन टू पे गाइस ध्यान से एक चीज़ों को आप लोग समझना कि सपोज कि जब मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ग्रेटर देन 4 होता है
तब उस वक्त एक रुपया सरचार्ज होके मेरी प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू हो जाती है, क्योंकि पहले वन था। अगर मैं चार यूनिट्स अगर मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा तो मुझे एक रुपया सरचार्ज लग जाएगा। सो वन प्लस वन दैट इज़ टू। ओके, अब जब लेस देन फोर होगा तो मुझ पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और उस वक्त जो है मेरा प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगी, वन रहेगी। ओके, दैट इज़ क्लियर गाइज। ओके ओके गाइज, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ जब मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रेटर देन फोर होगी। ठीक है, ग्रेटर देन फोर कब होगी गाइज, कब, जब मैं ऑलरेडी फोर्थ, गाइज दिस इज सपोज दिस इज नंबर लाइन, दिस इज फोर। ग्रेटर देन फोर कब होगी, जब अब यहाँ से लेकर सारे पॉइंट तक कवर किए होंगे तभी तो ये फोर आया होगा, वन से लेकर यहाँ तक तभी तो फोर आया होगा। तो ग्रेटर देन फोर का मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी फोर यूनिट तक कवर कर चुके हैं। ओके, और जब मैं फोर यूनिट तक मैं जब कवर कर चुका हूँ तो उस वक्त मुझे एक्सपेंडिचर कितनी लग रही है विदाउट सरचार्ज, क्योंकि ये मेरा विदाउट सरचार्ज है, विदाउट सरचार्ज ये मेरा विद सरचार्ज है। ठीक है, तो विदाउट सरचार्ज इस केस में गाइस मुझे कितनी मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उस वक्त जो है मेरी प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी वन थी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मेरी प्राइसेस वन थी और मैं फोर यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, फोर यूनिट दैट इज इज लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, फोर प्लस वन इंटू फोर, वन इंटू फोर सो दैट इज एट, मतलब कि मैं आठ रुपया ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ इस इलेक्ट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू फोर तक। उसके बाद ही मैं जाऊँगा ग्रेटर देन फोर पे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ ग्रेटर देन फोर वाली बात पे। तो मेरे पास लेफ्ट इनकम गाइस कितना बचा, टू, क्योंकि मेरे पास टोटल इनकम टेन था और मैंने लेस देन इक्वल टू फोर में मैंने आठ रुपया ऑलरेडी खर्च कर दिया, तो मेरे पास इनकम बचा टू रुपीज़। ओके, टू रुपीज़। तो मैं ई ग्रेटर देन फोर की मैं बात करता हूँ तो उस वक्त गाइज मेरी बजट लाइन क्या बनेगी, बजट लाइन की इक्वेशन, अब मेरी प्राइसेस टू हो गई, सो टू इंटू मीन्स पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई, सो मेरा प्राइसेस टू हो गया, क्वान्टिटी इलेक्ट्रिसिटी प्लस प्लस और वन इंटू डब्ल्यू अदर गुड्स, उसके तो प्राइसेस वन ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, इज इक्वल टू, अब मेरा गाइज यहाँ पे इनकम कितना बचा, टू रुपीज़। ठीक है, कब, इस कंडीशन पे ई ग्रेटर देन फोर। ठीक है, तो टू ई प्लस यहाँ पे मैं ई लिखूंगा इज इक्वल टू टू, क्यों, क्योंकि मुझे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो गया थ्री ई इज इक्वल टू टू, सो ई इज इक्वल टू टू बाय थ्री। ओके, टू बाय थ्री गाइज, कब, जब मैं ई ग्रेटर देन फोर करता हूँ तो ई ग्रेटर देन फोर, ई ग्रेटर देन फोर ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैं कितना कर रहा हूँ, टू बाई थ्री, और यहाँ पे मैं कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, फोर फोर। ओके, फोर, सो फोर प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू गाइज कितना हुआ, फोर्टीन बाई थ्री। ओके, फोर्टीन बाय थ्री, और विदाउट सरचार्ज गाइज मेरा कितना था, फाइव, विदाउट सरचार्ज, जब कोई सरचार्ज नहीं था तो मैं फाइव यूनिट कंज्यूम कर रहा था और सरचार्ज के बाद मेरी इतनी आ गई 14 बाई थ्री, तो मेरा कितना का चेंज हुआ गाइज, 1 बाई थ्री का चेंज हुआ मेरा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 बाई थ्री। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 बाय 3। ओके, एनी डाउट गाइज, एनी डाउट, ठीक है, तो वही चीज था, एक बार आप उसको फिर से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आपको ये बतानी थी कि विदाउट सरचार्ज, सपोज कि जब फोर यूनिट, सपोज कि यहाँ मेरा फोर था, अगर मैं इससे ज़्यादा अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो मुझे एक रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा गवर्नमेंट लगा देती है इलेक्ट्रिसिटी पे, और यहाँ पे मुझे वन रुपीज़ चार्ज करती है, और यहाँ पे वन प्लस वन दैट इज़ टू रुपीज़, एक रुपया तो उसका ओरिजिनल दाम है और एक रुपया सरचार्ज, टू रुपीज़। तो बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस मेरे कंजम्पशन पे कितनी चेंजेस हुई, बस मैंने वही निकाला है। ठीक है, तो 1/3 जो है इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, आपको समझ में आ जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको।
ओके ओके ये गाइस डीएससी 2006 क्वेश्चन नंबर 42 ओके आसास प्रेफरेंसेस बिटवीन गाइस जब भी आप मीन फंक्शन देखें बस ये दोनों को बराबर कर देना लेफ्ट सो राइट सो वाला एग्जांपल जब भी मीन रहे तो बस माइंड में ये सेट कर लेना कि ये दोनों बराबर होगा यहाँ पे गाइस कुछ भी रहे बस ये दोनों को इक्वल कर देना ठीक है कुछ भी रहे आँख मूंद के दोनों को इक्वल कर देना तो एक्स वन माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एट ठीक है ये यहाँ से मैं आया ओके ओके गाइज मुझे इनकम दे रखी है 73 एंड फेसिंग द प्राइसेस 3 फॉर एक्स वन एंड 4 फॉर द एक्स टू ओके सो 3 रुपीज किसका दाम है गुड एक्स वन का और 4 रुपीज किसका है गुड एक्स टू का ठीक है दैट इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एम वही वाला गाइज P1X1 प्लस P2X2 इज इक्वल टू एम दैट इज बजट लाइन टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम ओके 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 सो गाइज जस्ट 3X1 तो X1 के जगह में गाइज ये वाला पुट कर देना है सो X2 प्लस 8 प्लस 4X2 इज इक्वल टू एम और इनकम कितना है गाइज 73 दे रखी है 73 तो गाइज इसको गाइज आप सॉल्व करोगे तो X2 की आपकी जो वैल्यूज आएंगे वो 7 आएंगे फिर X2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना है तो X1 का वैल्यू 15 आ जाएगा ओके सो 15 एंड 7 इज अ करेक्ट ऑप्शन ओके सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन गाइज ओके कैन आई मूव यस यस गाइस पेन से कोई इशू हो रहा है क्या आप लोगों को रेड पेन यहाँ पे रेड पेन जो हो रही है तो कोई इशू दिखने में आप लोगों को हो रही है क्या सर येलो कलर यूज कर लीजिए येलो कलर यहाँ पे पेन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा पता नहीं आज क्यों ना ही स्लाइड का ऑप्शन आ रहा नहीं पेन का ऑप्शन आ रहा पता नहीं आज क्यों ऐसे सर्चिंग आ रहा ओके सो जस्ट आप जब भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टाइप के अगर मीन वाले फंक्शन को देखें तो बस ये दोनों को बराबर कर देना है ठीक है दोनों को बराबर कर दिया तो मुझे एक्स वन की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लिया अब मैं सिंपल सी मुझे बजट लाइन दे रखी है मेरे पास इनकम इतना है और प्राइसेस ऑफ द एक्स वन गुड की 3 रुपीज़ है 4 और एक्स टू का दाम 4 रुपया है तो मैंने वही लिखा 3X1 प्लस 4X2 इज इक्वल टू एम और एम की वैल्यू 73 है और मैंने एक्स वन की वैल्यूज यहाँ पुट कर दिया तो मुझे एक्स टू की वैल्यू 7 आ गई और फिर मैं जब एक्स टू की वैल्यू पुट किया तो मुझे एक्स वन की वैल्यूज 15 आ गई ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज 15 और 7 जो है मेरा ऑप्शन सी आएगा ओके सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर जैसे ये जो आपने बताया कि मिनिमम ऑफ 2 जो है फंक्शन जो है तो इसमें x1 इक्वल टू x2 जो है ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में अप्लाई होगा परफेक्ट एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लेता हूं पिछला वाला ही सर जैसे आपने बताया कि मिनिमम ऑफ 2 दिया हुआ है 2 कमोडिटीज तो उसमें आग बंद करके दोनों को इक्वल मान लेना है तो ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में अप्लाई होता है या कॉम्प्लीमेंट में ही तो मिनिमम आता है ना कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है जैसे मैंने आपको लेफ्ट सो राइट सो वाला एग्जांपल दिया तो लेफ्ट सो और राइट सो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है विद ईच अदर क्यों क्योंकि आपको जितना लेफ्ट सो इक्वल टू बराबर होगा राइट सो का तभी आपको जो है मैक्सिमम यूटिलिटीज होगा तभी तो उसका शेप ऐसे बनता है ना जब आप वेरिएंट बुक पढ़ेंगे सो सपोज दिस इज एक्स इक्वल टू वाई वाला लाइन है ठीक है तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बराबर है ना इसी पॉइंट पे आता है ना इसी पॉइंट पे ये जो पूरा ये जो एल शेप है ना इसका क्या मतलब है सपोज दिस इज एक्स दिस इज वाई
आप इस पॉइंट पे, सपोज आपको 4 यूनिट मतलब 4 लेफ्ट 4 राइट्स हो, आप इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो आपको मैं कितनों भी दे दूँ, 5, 6, 7 राइट्स हो, मैं सिर्फ आपको राइट्स हो भी दे दूँ, तो तब भी आपकी यूटिलिटी इसी पॉइंट पे ही रहेगी, ठीक है। यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब मुझे दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, तब मेरा यूटिलिटी शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी मेरा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस रहा, तो हम दोनों को बराबर रिज्यूम करते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ रहे ये इक्वल टू कर देना है इसके बराबर, ठीक है, तो वो मेरा पॉइंट आएगा। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस अभी आपको आएंगे, मैंने DSC के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे लिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार IIT JEE IIT GATE में पूछते हैं, ठीक है। सर वो एग्जांपल समझ में आ गया था, राइट शू और लेफ्ट शू वाला और इलेक्ट्रिसिटी वाला, लेकिन यहाँ पे X1 और X2 लिखा हुआ है ना सर, तो कोई भी कमोडिटीज होंगी अगर दो ही दी हुई है तो उनको मान के चलना है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिनिमम को देख के आपको बोलना है, क्योंकि मेन फंक्शन जहाँ भी होता है वो मेरा परफेक्ट मतलब वो मेरा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होता है, और कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में ये दो पॉइंट बराबर होता है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ओके ओके, DSC 2007 क्वेश्चन नंबर 1, ओके या गाइस, u = 2x + y, जब भी आप इस टाइप के फंक्शन देखें, x + y, 3x + 5y, कुछ भी प्लस वाला साइन देखें, तो प्लस वाला जैसे भी आप साइन देखें, तो आप समझ जाना है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आता है, पहली बात परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आता है। दूसरी बात गाइस, कि जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो उसका 3 केस बनता है, जैसे मैंने आपको बोला कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज लेस देन द स्लोप ऑफ IC कर्व, इक्वल टू और ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन, ठीक है, ये 3 केस बनता है, ठीक है। आपको ये 2 बात गाइस पता होनी चाहिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, ओके तो गाइज मैं अगर यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ x 2 / y 1, तो मुझे बजट लाइन का स्लोप 2 मालूम चला, ओके ओके। सपोज दैट द प्राइस ऑफ x एंड y आर 5-5, दोनों की प्राइसेस 5-5 है, तो मैं पहले उसके बाद में बजट लाइन लिखता हूँ। बजट लाइन गाइज वही वाला x px + y py = m, सो x, और इसकी प्राइसेस कितनी है, 5, सो 5 × x + दोनों का प्राइसेस 5-5 है, इक्वल टू कितनी इनकम है, 100, मैंने 100 लिख दिया। अब मैं इसकी स्लोप निकालता हूँ बजट लाइन पर, बजट लाइन की मैं स्लोप निकालता हूँ, सो बजट लाइन की स्लोप कोफिशियंट ऑफ x 5 / कोफिशियंट ऑफ y 5, सो 5 5 1, ओके। सो गाइज बजट लाइन का स्लोप लेस देन इक्वल टू IC, यहाँ पे बजट लाइन का स्लोप 1 है, IC का स्लोप 2 है, जब ये कंडीशन होता है तो मेरा क्या होगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ x m/px, y = 0, ओके। तो x स्टार क्या होगा, m मेरे पास कितना है टोटल, अब मैं सिर्फ x को ही लूंगा, y को जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो x = गाइस क्या होगा, 100/5, दैट इज 20, या कौन सा मतलब, या 20, सो और y - = क्या होगा, 0, सो 20 और 0 मैं कंज्यूम करूंगा, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, एनी डाउट गाइस, आपको ये 2 चीज पता होना चाहिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, कि आपको जब भी प्लस साइन वाला दिखे तो आप समझ जाना कि ये मेरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। दूसरा सवाल लेके आना अपने माइंड पे, कि जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो 3 केस होता है, बजट लाइन लेस देन IC, इक्वल टू IC या फिर ग्रेटर देन IC। आप याद कर लो कि जब बजट लाइन लेस देन IC होता है तो उस टाइम में कंज्यूमर ऑल ऑफ x कंज्यूम करता है और y = 0, और जब इसका उल्टा होगा, बजट लाइन इज ग्रेटर देन IC, तो x मेरा 0 हो जाएगा और y मेरा सारे के सारे कंज्यूम होगा। अभी दोनों जो बराबर होगा तो कहीं पे भी जो है बजट लाइन में, यहाँ पे कहीं पे भी जो है कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, कहीं पे भी,
अगर वो लेस देन होगा तो वनली एक्स को कंज्यूम करेगा, अगर बजट लाइन ग्रेटर देन वाई तो सिर्फ वनली वाई पे कंज्यूम करेगा, इक्वल टू होगा तो ये सारे पॉइंट इन बिटवीन वो कंज्यूम करेगा। ओके तो मैंने वही जस्ट पुट अप किया यहाँ पे सी इज इक्वल टू 20। ओके डीएससी 2008 क्वेश्चन नंबर 6, यूटिलिटी ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी अ ट्रू, कौन सा ट्रू है। ओके ओके गाइस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 एज इट इज ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 20। ओके सेम चीज़ों को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा गाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो क्या मैं इसको एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 20, ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या आया गाइस 10x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 20 ये आया। ओके तो ये मेरा मोनोटोनिक, सपोज कि ये मेरा x प्लस 2y है, आप चाहे यहाँ पे 10 ऐड करो फिर भी इसकी ऑर्डर जो है प्रिजर्व होगी, आप यहाँ पे 30 20 कुछ भी ऐड करो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो कुछ भी कर दो फिर भी इसकी ऑर्डर ऑलवेज प्रिजर्व, ऑर्डर इज ऑलवेज प्रिजर्व। वाय क्योंकि मोनोटोनिकली ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है। ओके तो ये मेरा कहाँ से आया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से आया, सो एक्स प्लस टू वाई प्लस का साइन है ना, तो ये मेरा ऑप्शन बी होगा, दिस गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट विथ ईच अदर। क्यों, क्योंकि ये एक्स प्लस टू वाई को ही मोनोटोनिकली ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्मेट में उसको लिखा गया है। ओके सपोज कि एक्स प्लस टू वाई ये मेरा दिया हुआ था, चाहे मैं इसको स्क्वायर करूँ इस पर, चाहे मैं टेन मल्टीप्लाई करूँ या मैं जोड़ूँ, ये ऑलवेज मेरी रैंक को प्रिजर्व करेगी। ओके तो ये कहाँ से निकल के आया था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से निकल के आया, तो ये मेरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट जो लगा है इस क्वेश्चन में उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या मतलब है कि आप अपने यूटिलिटी फंक्शंस को चाहे कितनों भी चेंज कर लें कोई भी फंक्शन डाल के, लेकिन उसकी रैंक ऑलवेज प्रिजर्व होनी चाहिए पहली बात, दूसरी बात कि एमआरएस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, एमआरएस जो है दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ये हमें बताती है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके एनी डाउट गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ी डीएससी आईएसआई लेवल के हैं तो थोड़ी सी आपको इफर्ट लगानी होगी, क्योंकि ये सीयूटी जेएनयू वगैरह नहीं कि आपको एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डीएससी और आईएसआई के क्वेश्चंस काफी एडवांस हैं। MRS सिर्फ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इक्वल होती है। मींस व्हाट, कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या, सिर्फ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में ही MRS इक्वल होती है। MRS नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी MRS इक्वल होनी चाहिए। MRS इक्वल इन द सेंस कि देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको MRS का मतलब क्या होता है, जब भी आप ये पढ़े हो ना यार, आप तो बहुत ही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज कि मेरे पास कोई यूटिलिटी फंक्शन यू इक्वल टू एक्स वाई पर्टिकुलर बेसिक। ओके ओके तो गाइज मैं जब इसका अगर MRS निकालूंगा तो इसका क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यही तो होता है MRS। तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो मैं जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये मेरा वाई आएगा, उसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो ये मेरा एक्स आएगा, तो ये मुझे MRS मालूम चला।
ठीक है, सपोज अब मैं इसी को गाइस मैंने चेंज कर दिया कि u इक्वल टू 10xy मैंने लिख दिया। अब मैं इसका MRS निकाल रहा हूँ। अब मैं जब इसका MRS अगर निकालूंगा तो सेम वही डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई। सो डेल यू बाई डेल एक्स जब मैं इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x टू 1 हो जाएगा, बचेगा 10y डेल यू बाई डेल वाई, तो यहाँ पे बचेगा कितना 10x, तो 10 10 कैंसिल, फिर भी ये मेरा वाई बाई एक्स, तो सेम हुआ ना वाई बाई एक्स और वाई बाई एक्स। मैं फंक्शन को चाहे कितनों से भी मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐड कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन मेरा MRS सेम होना चाहिए। अगर मेरा MRS अगर मेरा सेम आया तो हम बोलेंगे कि ये मेरा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है यू एक्स वाई का, एक ऑब्डिक्लेस का ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी तरह से आप ये वाला फंक्शन को लेके देखना, ये एक्स वाई ये भी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी तरह से लॉग ऑफ एक्स वाई आप लेके देखना, ये भी मेरा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ई पे पावर एक्स वाई या यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो आप इस टाइप के कोई भी फंक्शन को जो है वो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वैसे ही वहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का ये बोला जाता है ना एक्स ऑफ टू वाई, चाहे मैं इसको स्क्वायर करूँ, टेन प्लस करूँ, ऐड करूँ, जब मैं इसकी वैल्यूज निकालूंगा तो दोनों के जो है उसके इक्वल होंगे, मतलब इसका रैंक यहाँ पे प्रिजर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी रैंक प्रिजर्व होगी, रैंक प्रिजर्व इन द सेंस कि सपोज कि अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यूज अगर वन वन लूंगा या एक्स वन और सपोज ये मेरा एक्स नॉट वाई नॉट वन वन है, फिर मैं एक्स वन और वाई वन टू टू ही लूंगा या थ्री फोर, मतलब इसकी वैल्यूज अगर मेरी अगर बढ़ती चली जाएगी तो मेरी जो रैंक है ना वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरा रैंक प्रिजर्व है कि आप एक्स वाई को बढ़ाते चले जाओ और आपकी रैंक जो प्रिजर्व होती चली जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है सारा टर्म पॉजिटिव में, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन विद इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रैंक प्रिजर्व है, तो हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है यहीं से निकल के आया है एक्स प्लस टू वाई से। तो वही आपको पूछा है कि ये कौन सा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वही मैंने आपको बताया कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। गॉट इट? यस सर, यस सर, समझ गया सर। ठीक है, तो मैं एक दिन यहाँ लूंगा या मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशंस पे मैं और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस इस संडे को, मैं सैटरडे या संडे को मैं पूरे अच्छे से करवाऊंगा। जो जो मेन मेन जो टॉपिक है, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मार्जिनल यूटिलिटीज निकालना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूट्यूब में एक दो आते हैं, ठीक है, तो उस पर मैं लेके आऊँगा। ओके गाइस, सेम क्वेश्चन, यू इक्वल टू मीन ऑफ दिस, ठीक है, मीन ऑफ दिस। अब लेकिन यहाँ पे गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकियर है, ठीक है। तो ये डीएससी का है, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि डीएससी है तो उसके लेवल भी डीएससी लेवल के होते हैं, ठीक है। सो मुझे दे रखी है कि यूटिलिटी ऑफ मीन ऑफ दिस फंक्शन, तो मुझे पता है कि यार ये मेरी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। पहली बात, he maximizes his utility subject to his budget constraint and consume x star y star 3 3, ठीक है, 3 3 पे जो consume कर रहा है। which one of the following must be true, कौन सा true होगा इन चारों option में से। okay, तो guys यहाँ पे थोड़ी सी आपको inference curve को draw करना होगा, ठीक है। तो guys suppose कि u is equal to, suppose guys this, सपोज कि मुझे अगर मीन ऑफ 2 और 5 है, ठीक है, 2 5 है, तो 2 कब आएगा, जब 2 मेरा लेस देन 5 होगा, 5, ठीक है, समझ रहे हैं कि 2 मेरा कब आएगा, कि जब मेरा 2 लेस देन 5 होगी ना तभी तो 2 आएगी। उसी तरह से गाइस कि ये दो वैल्यूज़ में से एक्स प्लस वाई, ये जो भी वैल्यूज है ये लेस देन 2y होगा तभी ये वैल्यूज यहाँ पे आएगी x प्लस वाई। ओके ओके, उसी तरह से x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन 2y है तो मिनिमम वैल्यूज क्या है, 2y, तो ये मेरा 2y आएगा, ठीक है। सिंपल गाइस, लॉजिक मैथमेटिक्स, ठीक है। सपोज कि मुझे मीन इक्वल टू 2 5 दिया हुआ है, तो 2 कब आएगा, इसकी वैल्यूज 2 लेस देन 5 है ना, ठीक है, 5, सपोज कि 5 कब आएगा, जब 5 लेस देन 2 आएगी ना, ठीक है। मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 5 ऐसे में लिया हूँ, तो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लीजिएगा। तो
तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, कोई न्यूमरिक टर्म्स नहीं दिया हुआ है। तो मैंने दो केस लिया कि ठीक है एक्स प्लस वाई लेस देन टू वाई, मतलब ये वैल्यूज लेस देन टू वाई है, तो मिनिमम वैल्यूज क्या हुआ गाइस, यही तो होगा ना, क्योंकि ये लेस देन टू वाई है और ये दोनों में से हमको दो में से एक को पिकअप करना है, और ये लेस देन टू वाई है तो लेस वाला लेंगे ना, क्योंकि मिनिमम है, तो एक्स प्लस वाई आ गया। उसी तरह से एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन टू आई, ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो मुझे मिनिमम चाहिए टू आई, तो इस कंडीशन में मेरा टू आई आएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं थोड़ी सी इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स प्लस वाई, ये वाई उधर चले गया तो ये बचा एक्स लेस देन वाई। ओके, टू आई कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, जस्ट इसी को वाई को उधर लेके गए और वाई को उधर लेके ये मेरा कंडीशन आया। ठीक है, ओके। और मुझे दे रखिए गाइस कि कंज्यूमर का जो बजट कंस्ट्रेंट है ना, वो कंज्यूम किस पॉइंट पे कर रही है, एक्स स्टार वाई स्टार जो है वो 3-3 पे कंज्यूम कर रहा है। मुझे दे रखिए कि ऑप्टिमल पॉइंट इसका 3-3 है, हिज बजट कंस्ट्रेंट एंड कंज्यूम दिस मच 3-3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ ट्रू, मतलब आपको प्राइस के टर्म्स में निकालना है। ओके, थोड़ी सी गाइस ये क्वेश्चन टिपिकल हो सकती है। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके गाइस, मैं सॉल्व करके ये लेके आया था कि एक्स प्लस वाई कब होगा, जब एक्स लेस देन वाई होगा। उसी तरह से टू वाई कब होगा, जब मेरा एक्स लेस देन वाई होगा। यही था दो कंडीशन। ओके गाइस, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और सपोज ये मेरा 45 डिग्री लाइन है, वेर एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके गाइज, इधर वाला क्या होता है, एक्स लेस देन वाई बेसिक, और ये वाला एरिया मेरा कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन वाई होता है तब। ओके गाइज, x less than y, x जब less than y है तो मेरा ग्राफ क्या होगा, x plus y, तो x plus y कुछ इस टाइप का, यहाँ पे स्लोप गाइस क्या होगा, 1-1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1, तो मैं सपोज कि मैं एक 1-1 का मैं x बना लेता हूँ ग्राफ। ठीक है, सपोज ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, सो इंटरसेप्ट ऑफ y डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट ऑफ x 1, तो इसका स्लोप मेरा 1 है। ठीक है, ओके, x ग्रेटर देन y दैट इज 2y, 2y, so y is equal to, suppose this is 2y, that is the line of 2y, okay, 2y, guys ध्यान से देखना, x less than y, ये वाला एरिया है, x less than y, x plus y, तो सिर्फ इस a एरिया सिर्फ यहीं तक है, तो ये मेरा सिर्फ यही डिफरेंस कब होगा, और x greater than y में क्या होगा, 2y, तो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, ये वाला एरिया होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि x जब ग्रेटर देन y है तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, 2y, तो 2y वाला मेरा लाइन ये है ना, 2y वाला, और x लेस देन y में मेरा ये वाला लाइन है ना, x प्लस वाई, तो ये, तो गाइज इसका इंडिफरेंस कर्व क्या बना, इसका इंडिफरेंस कर्व ये बना, ये मेरा इक्वल वाला लाइन था, x इक्वल टू वाई, तो दैट इज द इंडिफरेंस कर्व। ओके, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व, ये x less than y और ये x greater than y होता है, basic mathematics, okay, पहली बार। और guys इसकी slope कितनी थी, 1, और इसकी slope क्या होती है, horizontal with x axis, कोई एक मुझे please बता दे, horizontal with zero, yeah, so तो इसकी slope 0 हो गई। okay, okay, यहाँ तक तो काम समाप्त। अब मुझे guys question में दे रखी है कि मेरा जो डिमांड है ना, मतलब जो मैं कंज्यूमर हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ किस पॉइंट पे, 3-3 पे, मतलब इक्वल पॉइंट पे, इक्वल पॉइंट पे, तो इक्वल कहाँ पे होगा गाइस, इसी लाइन पे होगा ना, इक्वल, इक्वल 45 डिग्री लाइन पे ही तो इक्वल होगा ना, समझ रहे हैं, तो 45, तो मेरा इस पॉइंट पे इक्वल होगा, इस पॉइंट पे इक्वल होगा। ओके, इस पॉइंट पे इक्वल होगा, तो मैं इसको फिर से एक बार लिखता हूँ,
सपोज की दैट इज अ 45 डिग्री लाइन वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब ये भी 3 3 3, ये 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के, तो मुझे दे रखी है कि मैं 3 3, मतलब मैं इक्वल इक्वल मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एक्स और वाई का, ठीक है। और मेरा इंडिफरेंस कर्व गाइस ये दिया हुआ था कि दैट इज 1 एंड दैट इज दिस, ओके ओके ओके। यहाँ तक तो गाइस मैंने बता दिया, अब मैं थोड़ी सी इस लेवल को मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ओके तो मुझे दे रखी है कि एक्स स्टार और वाई स्टार मेरा 3 3 है, तो 3 3 गाइस इस पॉइंट पे आएगा, क्यों? क्योंकि ये लाइन मेरा इक्वलिटी वाला लाइन है, ठीक है, ओके ओके। और ये स्लोप मेरा गाइस 1 है। सपोज कि अगर मेरा स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज लेस देन इंडिफरेंस कर्व, अगर मेरी स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज लेस देन इंडिफरेंस कर्व होगा, तो दो चीज था गाइस, स्टीपर बेसिक कॉन्सेप्ट कि सपोज दिस इज माय बजट लाइन, तो जब मेरा प्राइसेस घटता था तो मैं आगे की तरफ शिफ्ट होता था, जब मैं बढ़ता था तो ये स्टीपर होता था। स्टीपर कब? जब मेरा बढ़ता था। घटता था कब? जब मेरा स्टीपर। तो सपोज कि बजट लाइन कम है इंडिफरेंस कर्व से, तो सपोज कि मेरा यहाँ पे कुछ होगा ऐसे पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो अब मेरा इंडिफरेंस कर्व यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर यूटिलिटी, तो मैं उसको शिफ्ट करा रहा हूँ, तो कुछ इस पॉइंट से शिफ्ट होगा और इस पॉइंट पे, तो मुझे मालूम चल गया कि हाँ ये पॉइंट, मतलब ये मेरा जितना भी पॉइंट है ये सारा मेरा 3 3 पे कंज्यूम करेगा, कब? कब? जब मेरा ये वाला वैलिड होगा, मतलब कि मेरा प्राइसेस ऑफ एक्स जो है प्राइसेस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ वाई, बजट लाइन का स्लोप तो यही होता है ना, प्राइसेस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू द इंडिफरेंस कर्व स्लोप, मीन्स लेस देन वाई, ठीक है। अगर ये ग्रेटर होता तो गाइस वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता और यहाँ पे हायर इंडिफरेंस मेरा यहाँ पे होता, इक्वल नहीं होता, तो ये वाला गॉन हो गया, ठीक है। तो मेरा ये इक्वेशन निकल के आया, ठीक है, प्राइसेस ऑफ एक्स प्राइसेस ऑफ डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू वाई, तो वही आपको ऑप्शन में पूछा था कि क्या रेशियो होगा प्राइसेस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, ओके। यहाँ तक एनी डाउट अगर किसी को भी है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी एनी डाउट? गाइस थोड़ी सी ये चीजें टिपिकल हो सकती है क्योंकि ये डीएससी लेवल के है, तो उसकी थोड़ी सी लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों के बारे में, आपको पूरी लाइक की डिमांड वगैरह, बजट लाइन शिफ्टिंग एंड इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करना, ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, ओके। इज इट ओके गाइस? यस सर। तो मैंने बस वही यहाँ पे मैं वही लॉजिक अपनाया और मैंने इसको ड्रॉ किया, आप इसको एक बार फिर से रिकॉर्डिंग को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ठीक है। तो बस मैंने इंडिफरेंस कर्व गाइस मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मेरा x इक्वल टू वाई था, ये एरिया मेरा x लेस देन वाई होता और ये x ग्रेटर देन वाई होता, तो ये x इक्वल टू वाई मतलब यहाँ पे मेरा स्लोप 1 है, तो मैं सपोज कि मैं 2 2 का एक मैंने लाइन खींच दिया, उसी तरह से मैं 2y का लाइन खींच दिया, बट ये एरिया में सिर्फ यही वैलिड होगा, और जब x ग्रेटर देन वाई होता तो 2y, तो ये वैलिड यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे बना लिया एक इंडिफरेंस कर्व, तो मेरा ये इंडिफरेंस कर्व आया, ठीक है, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व आया। अब मुझे दे रखिए कि कंज्यूमर जो है इक्वल पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर इसी पॉइंट पे कंज्यूम करेगा ना इक्वल, तो ये कैसे आएगा, हाउ दिस पॉइंट इज केम, ठीक है। तो सपोज कि मैंने लिया कि सपोज कि द बजट लाइन का जो है ना स्लोप जो है ना बजट लाइन का स्लोप लेस देन इंडिफरेंस कर्व, अगर ये लेस देन होगी तो सपोज कि लेस देन कब होगी, लेस कब होती है दिस पॉइंट ना, अगर ज़्यादा होता तो स्टीपर होता, तो ये लेस देन,
सपोज कि मेरा बजट लाइन यहाँ पे आ गया, तो बजट लाइन यहाँ पे हो गया तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा गाइस बेसिक ऑफ डगलस कि सपोज दिस इज इंडिफरेंस कर्व। सो कंज्यूमर जो है सपोज दिस इज मेरा यहाँ पे है, अगर मेरा हायर बजट लाइन होगा तो कंज्यूमर हायर पॉइंट की तरफ मूव करेगा ना, ठीक है, हायर पॉइंट की तरफ मूव करेगा, दैट इज मोनोटोनिसिटी अजम्पशन ऑफ द वेल बिहेव प्रिफरेंसेस फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने किया कि सपोज मैंने ले लिया कि बजट लाइन लेस देन आईसीज, तो मेरा अब मेरा मेरा जो बजट लाइन है अब ऐसा हो गया तो कंज्यूमर अब आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो या मुझे इस पॉइंट पे मालूम चला कि ये मैक्सिमाइज है, तो ये कब मैक्सिमाइज है इस कंडीशन पे ना, इस कंडीशन पे बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पी एक्स बाई पी वाई ना लेस देन इक्वल टू आई सी का स्लोप 1, ओके। तो वही मुझे ऑप्शन सी में दे रखी है, अगर आप ग्रेटर लेते तो ये यहाँ पे हो जाता, और जब यहाँ पे हो जाता तो कंज्यूमर अब सारा का सारा यहाँ कंज्यूम करता, मतलब ये इक्वल नहीं आता, एक्स वाई जो 3-3 था ना ये अब इक्वल नहीं आएगा, ये सिर्फ इसी केस में ही आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, टीएससी 2009 क्वेश्चन नंबर 12, रोमियो एंड जूलियट हैव 96 चॉकलेट्स टू डिवाइड बिटवीन देम, रोमियो हैज़ द यूटिलिटी फंक्शन, गाइस मुझे दे रखी है, और जूलियट की भी यूटिलिटी फंक्शन मुझे दे रखी है, ओके। रोमियो चॉकलेट कंजम्पशन है, जूलियट चॉकलेट कंजम्पशन, ठीक है, जे फॉर द जूलियट चॉकलेट कंजम्पशन, और आर जो है रोमियो चॉकलेट कंजम्पशन मुझे दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सा ट्रू है। रोमियो एंड जूलियट हैव 96 चॉकलेट, मतलब कि सपोज कि दो पर्सन है, पर्सन वन एंड पर्सन टू, अब ये दोनों चाहता है कि यार मुझे चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल चॉकलेट कितना है 64, मतलब आर प्लस जे इज इक्वल टू 64, टोटल जो है 64 चॉकलेट है, ओके। और मुझे इसकी यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, सपोज दिस इज रोमियो दिस इज जूलियट, तो इसकी यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, इसकी भी यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, टोटल चॉकलेट मुझे 64 दे रखी है, तो आपको बताना है कि ये चॉकलेट को किस वे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस चार ऑप्शन में से, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत वे से सॉल्व कर सकते हैं। सर, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट 64 कहाँ पे दिया हुआ है सर? यहाँ पे कि रोमियो एंड जूलियट हैव 96 चॉकलेट टू डिवाइड बिटवीन देम, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट हैव 90, इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, सेंटेंस को रोमियो एंड जूलियट हैव 96 चॉकलेट, सपोज कि दिस इज पर्सन वन दिस इज पर्सन टू, ये दोनों के पास 96 चॉकलेट है जो कि डिवाइड करना है, मतलब रखा हुआ है, तो इस दोनों के बीच में ही तू 96 को दोनों के बीच में ही तो डिवाइड करना है, तो मतलब आर प्लस जे, गॉट इट, दे रखी है ना कि रोमियो एंड जूलियट हैव 96 चॉकलेट टू डिवाइड बिटवीन देम, 96 चॉकलेट रखी हुई है तो डिवाइड करना है किसके बीच में, आर प्लस जे, मतलब दोनों के बीच में डिवाइड करना, ओके। सो रोमियो हैज अ यूटिलिटी फंक्शन दिस और जूलियट हैज अ यूटिलिटी फंक्शन दिस, तो आपको बताना है कि वो किस वे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि जो है इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके वैलिड होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार लिखता हूँ अच्छे से, इसको मैं सबसे पहले रोमियो के केस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, रोमियो, ओके, मुझे दे रखी है कि आर प्लस जे इज इक्वल टू 96, ओके ओके, गाइस रोमियो की यूटिलिटी फंक्शंस मुझे क्या दे रखी थी कि आर पे पावर 8 एंड जे पे पावर 4, ओके ओके। सो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर पे पावर 8 एंड जे, मैं जे यहाँ से गाइस निकाल रहा हूँ, 96 माइनस आर पे पावर 4 इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ आर, ठीक है, आर, तो मैं दोनों साइड लॉग लेता हूँ, लॉग एल एन यू आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर पे पावर 8 96 माइनस, ओके, ए आई एन, ठीक है,
So ln u r is equal to, guys, log a into b, that is log a plus log b. So log r to power 8 plus log 96 minus r to power 4. ln u r, guys, 8 उठ के यहाँ पे आएगा, log का basic rule. So 8 ln r plus, ठीक है, ये 4 भी उठ के यहाँ पे आएगा, that is 4 ln 96 minus r. ओके, मुझे ये निकला. अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि मैं मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है इसको. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको डिफरेंशिएट करो इसको, ठीक है. सपोज दिस इज यू डैश आर, ठीक है, इक्वल टू एल एन यू आर, जो यू डैश आर के बराबर. तो इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट पे, आर आर के रिस्पेक्ट पे. ओके, इज इक्वल टू 8 बाय एल एन एक्स का 1 बाय एक्स, दैट इज 1 बाय आर, प्लस 4 कॉन्स्टेंट है डिवाइडेड बाय 1 बाय 96 माइनस आर, दैट इज 1 बाय एक्स का क्या होता है, एल एन एक्स का 1 बाय एक्स. सो 96 माइनस आर, गाइस चेन रूल, माइनस आर का माइनस 1, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू 0. अब गाइस अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर की जो वैल्यूज आएंगे वो 64 आएंगे, ठीक है, आर की वैल्यू 64 आएंगे. सिमिलरली उसी तरह से गाइस आपको जूलियट का सॉल्व करना है, जो कि आपको दे रखी है जूलियट के यूटिलिटी फंक्शंस की आर पे पावर 4 एंड जे पे पावर 8, ठीक है. तो अब मुझे आर, तो आर की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 96 माइनस जे, मतलब सारा मैं जे जे में कन्वर्ट करूँगा जूलियट के केस में. जैसे मैं यहाँ पे रोमियो के केस में आर आर में मैंने सारा कन्वर्ट किया था, तो वैसे अब मैं यहाँ पे आर आर के केस, सॉरी जूलियट के केस में मैं जे जे में इसको कन्वर्ट करूँगा. सो 96 माइनस जे 4 जे पे पावर 8 एंड दैट इज यू जे. सेम गाइज यहाँ पे एल एन यू जे इज इक्वल टू एल एन, सेम चीजें 96 माइनस जे पे पावर 4 जे पे पावर 8, ओके. फिर एल एन यू जे इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, दैट इज लॉग ए इंटू लॉग बी. सो एल एन 96 माइनस जे पे पावर 4 प्लस एल एन जे पे पावर 8, फिर एल एन यू जे इज इक्वल टू 4 उठ के यहाँ पे आएगा, एल एन 96 माइनस जे प्लस 8 एल एन जे, और उसको सपोज कर लूँ कि ये यू डैस जे के बराबर है, तो डेल यू डैस बाय डेल जे, फिर इसको गाइस डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 4 बाय 96 माइनस जे इंटू माइनस 1 चेन रूल, प्लस 8 बाय जे इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. तो यहाँ से भी आपकी जे की वैल्यूज आएंगे 64, तो ठीक है, यहाँ से भी इसकी वैल्यूज आएंगे 64, ठीक है. तो ऑप्शन आई थिंक इसका डी जो है सही होगा, क्योंकि दोनों का 64 है, अगर होगी तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब अगर 64 से ज़्यादा होगा तभी वो चॉकलेट एक दूसरे को देगी, ठीक है, अगर ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है. मुझे अगर 64 पे अगर मुझे रहना है तो मैं जैसे ऑप्शन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये ओके. तो या जूलियट वुड वांट टू गिव रोमियो चॉकलेट इफ सी हैड मोर देन 64 चॉकलेट, अगर उसके पास 64 से ज्यादा होता तब वो देगी, क्योंकि उसका मैक्सिमम पॉइंट 64 ही है, क्योंकि उसको 64 पे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, ठीक है. अगर 64 से ज्यादा होगा तो हाँ ठीक है, तुम ले लो चॉकलेट, वो जूलियट को दे देगी चॉकलेट कि ठीक है तुम लो, क्योंकि मेरा मैक्सिमम पॉइंट मेरा 64 ही है, ठीक है. वैसे ही जूलियट के केस में, क्योंकि दोनों का 64 ऑप्टिमम पॉइंट था, तो रोमियोज तब जूलियट को चॉकलेट देगी जब 64 से ज़्यादा चॉकलेट होगी तब, क्योंकि 64 जो है रोमियो के लिए ऑप्टिमम पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलिटी है. ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एनी डाउट to this particular question, guys?
Can I move? Yes, sir. ठीक है, सो डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, थोड़ी सी गाइज आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इजी है बट आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट आएगी तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ईजी है. बस आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेप्थ में होनी चाहिए. बार बार की तो थोड़ी सी लॉजिक भी रहती है क्वेश्चन पर. ओके ओके गाइज, ये DSC 2009 का क्वेश्चन है 11. Your budget is such that if you spend your entire income on two goods, X and Y, you can afford either 4 unit of X and 4 unit of Y, or 12 unit of X and 12 unit of Y. Okay? Okay. If you spend all of your income on X, then how many unit of X could you buy? Guys, देखिए आपको ये क्वेश्चन में दे रखी है कि suppose कि this ये मैं हूँ और मुझे दो goods खरीदनी है, एक एक्स से और दूसरी वाई है. ओके ओके और मुझे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि मुझे इफ़ यू स्पेंड योर एंटायर इनकम ऑन टू गुड्स, कि मेरे पास इतना पैसा है ना कि मैं दो गुड्स को पूरा का पूरा मैं खरीद लूँगा उस पैसे से, मतलब कि मैं कुछ रखूँगा नहीं अपने पास, मैं सारा एक्सपेंडिचर कर दूंगा इन दोनों गुड्स पर. ओके 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 तो गाइस मैं 4 यूनिट एक्स खरीद पाता हूँ. सपोज एक्स का प्राइसेस PX है और Y की प्राइसेस PY है, तो मुझे दे रखी है यहाँ पे कि यू कैन अफोर्ड आइदर 4 यूनिट ऑफ X एंड 6 यूनिट ऑफ Y. चाहे मैं पहला कंडीशन में है कि मैं 4 यूनिट ऑफ X खरीद रहा हूँ, प्राइसेस क्या है सपोज PX, प्लस 6 यूनिट ऑफ Y खरीद रहा हूँ उसकी प्राइसेस कितनी है PY इक्वल टू M, इनकम सपोज इनकम इज M. ओके, पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी तरह से फिर दूसरा यहाँ से 12, या फिर आप 12 यूनिट ऑफ एक्स खरीदोगे या फिर 2 यूनिट ऑफ वाई. सो चाहे मैं 12 यूनिट ऑफ PX खरीदूंगा या फिर मैं 2 यूनिट ऑफ PY इसी इनकम पे. ओके गाइज, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों बराबर होगा, बेसिक. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल होगा तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ. 4 PX प्लस 6 PY इज इक्वल टू 12 PX प्लस 2 PY. तो मैं यहाँ से थोड़ी सी इंटरप्रेट करके मुझे ये रिजल्ट आएगी कि PY इज इक्वल टू 2 PX. ये मुझे रिजल्ट आएगी. ठीक है गाइज, ये PY इधर गया, 4 PY उधर गया, 8 PX तो 4 × 8 सो 2 PX, PY इज इक्वल टू 8 PX आया. ओके 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 सो ये आया सपोज. लेकिन गाइज मेरा जो इनकम था वो क्या था, M इज इक्वल टू, सपोज आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, सपोज मैं सेकेंड वाला उठाता हूँ, 12 PX प्लस 2 PY. ठीक है, अभी PY का जो वैल्यूज है ना, ये वाला यहाँ पे डाल देना, पुट कर देना यहाँ पर इस वाले पे. सो M इज इक्वल टू 12 PX प्लस 2 PY, PY की जगह में 2 PX. गाइस ये सारा मेरा PX में बन गया, PX. सो M इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मीन्स 16 PX. ओके 16 PX. ओके सो M by PX इज इक्वल टू 16. ठीक है, M by PX इक्वल टू 16 आया. ओके अब मुझे क्या रखी है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम X को खरीदूंगा तो मैं कितना यूनिट खरीद सकता हूँ, कितना यूनिट खरीद सकता हूँ. गाइज यही तो फॉर्मूला है, दिस इज गाइज. ठीक है देखना, X PX प्लस YPY इज इक्वल टू M, बेसिक. अब मुझे बोल रखा है कि मैं सारा का सारा एक्स कब खरीदूंगा, कब मतलब जब मेरा वाई जीरो होगा. ठीक है, वाई मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, सो जीरो इंटू PY ये मेरा जीरो बन गया. सो एक्स
px is equal to m. So x is equal to m by px ना गाइज, वही तो था प्रीवियस कि m by px कितना आया था 16, समझे? तो 16 यूनिट आप खरीद पाएंगे, ठीक है, 16 यूनिट आप खरीद पाएंगे. ओके, सो ओके, सो 11 का बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, यहाँ पे दे रखी ना गाइस कि इफ यू स्पेंड ऑल योर इनकम ऑन एक्स, मुझे सारा का सारा एक्स में खत्म करना है, वाई मुझे नहीं लेना है. तो वाई अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं आपको बताया ना गाइस कि एम इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई, मैं वाई नहीं लूंगा, मतलब वाई जीरो है इंटू पी वाई, ठीक है, मैं सारा का सारा एक्स पे लूंगा. तो अब मेरा क्या बचा, एक्स इक्वल टू एक्स पी एक्स, तो एक्स को क्या होना होगा, एम बाई पी एक्स होना होगा ना, तभी मैं सारा का सारा एक्स खरीदूंगा. तो मैं वही चीज उस कंडीशन से मैंने लेके आया था, ठीक है, उस कंडीशन पे मैंने जो सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे क्या मिला था कि m by px is equal to 16 आया था. तो x ये दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर, तो x स्टार की वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 16. तो मैं सारा का सारा 16 यूनिट पे लूंगा. गॉट इट? Can I move, guys? Or I repeat it again? Yes, sir. Can I move? Yes, sir. Yes. Okay. तो वही चीज आपकी 16 जो कि B option आपका correct होगा. Okay. DSA 2009 question number 21. Guys, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था. मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये सारे के सारे मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनिशियल फंक्शंस के, ठीक है, इनिशियल फंक्शंस के. तो मुझे गाइज यूटिलिटी फंक्शन क्या दे रखी है, ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे पता है कि नहीं एक्सपोनेंशियल है, मुझे पता है कि यार ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्सपोनेंशियल, और मेरे ओरिजिनल फंक्शन अब क्या बन गया, सेम x square plus y square. Guys, वही वाला u equal to xy था, फिर u equal to tan xy मैंने किया, इसको मैंने convert किया tan लगा के, वैसे मैंने यहाँ पे e लगाया, और मुझे पता है कि e मेरा क्या है, monotonically transformation वाला functions है, तो मेरा चाहिए दोनों same था ना, दोनों का MRS जब मैं निकाला था तो y by x, याद है y by x दोनों में आया था, ठीक है, तो ये मतलब सेम है, मतलब ये tan xy किसके बराबर है, xy के बराबर है. अब यहाँ पे 20 लिखो, 30 लिखो, 40 लिखो, log xy लिखो, exponential xy लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब जो मेरा monotonic transformation होता है, जैसे log हो गया, exponential हो गया, multiplication हो गया, ठीक है, इस वाले केस में तो मेरा monotonic transformation है. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मेरा जो भी फंक्शन है अब मेरा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है, क्यों, क्योंकि मेरा एक्सपोनेंशियल मेरा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को वैलिडेट करता है, ठीक है. तो u इज इक्वल टू, ओके, सो ओके, तो अब मेरा यूटिलिटी फंक्शन गाइस क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके ओके गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मेरी कौन सी प्रिफरेंस है, कॉनकेव प्रिफरेंस, बेसिक चीजें, जैसे मेरा था ना वो एक्स प्लस वाई मेरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, उसी तरह से मीन ऑफ एक्स वाई ही मेरा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मेरी कॉनकेव प्रिफरेंस होती है, ठीक है, कॉनकेव प्रिफरेंस होती है. कॉनकेव प्रिफरेंस जब होगी तब यहाँ क्या होता है कि कंज्यूमर उसी गुड को कंज्यूम करता है जो चीपर होता है,
ठीक है, कॉन्केव डिफरेंस में कंज्यूमर वही गुड कंज्यूम करेगा जो गुड चीपर होगी, जो गुड चीपर होगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी बजट लाइन लिखता हूँ कि जो डोसा का जो प्राइस है वो 5 है। ठीक है, डोसे का प्राइस कितना? 5 है। सपोज मैंने डोसा को एक्स लिखा, डोसा को मैंने डिनोट किया एक्स से और पिज्ज़ा को मैंने डिनोट किया वाई से, सो दैट इज 5x + 10y is equal to 10। ना इनकम कितनी है? आई थिंक 100। इनकम इज 100। ओके, सो m इज 100। तो मुझे मालूम चला है कि ये मेरी कौन सी है, कॉनकेव प्रेफरेंस, और मुझे पता है कि कॉनकेव प्रेफरेंस में कंज्यूमर चीपर गुड को कंज्यूम करता है। तो चीपर गुड कौन सा है गाइस? डोसा का प्राइस 5 रुपया है और पिज्जा का 10 रुपया है। ऑब्वियसली डोसा सस्ता है ना, तो डोसा सारा का सारा कंज्यूम करेगा, सारा का सारा डोसा कंज्यूम करेगा, और सारा का सारा जब वो कंज्यूम करेगा तो गाइस ये वाला होता है एम बाई पी एक्स, उसके ऑन प्राइस। तो इनकम कितना, मतलब ये अब वो नहीं लेगा, वाई इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 100/5 = 20 और वाई इज इक्वल टू जीरो। सो द नंबर ऑफ द पिज्जाज दिस कंज्यूमर विल बाय, कितना पिज्जा, मतलब वाई आपको पूछा है, जीरो। ठीक है, तो पिज्जा आपको जीरो कंज्यूम करेगा। एनी डाउट? नो सर। सर सपोज करिए कि क्या नाम है, पिज्जा का प्राइस 3 रुपीज होता सर 10 की जगह। पिज्जा का सपोज कि अगर, हाँ तो मैं पिज्जा लेता सारा का सारा, तो पिज्जा जब मैं लूंगा तो m by p y हो जाता, मैं प्राइसेस y के साथ, अब मैं x नहीं लूंगा तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम मेरा, मैं कितना लूंगा, 10 यूनिट लूंगा, तो मेरा ऑप्शन b राइट होता, समझे सर? ठीक है, समझ गया। ठीक है सर, ठीक है। तो accordingly बस आपको ये चीज याद रखना है कि x2 + y2 ये मेरा कॉनकेव प्रेफरेंस है, और कॉनकेव प्रेफरेंस का गाइस बेसिक लॉजिक है कि हम वही गुड को लेंगे जो मेरी सस्ती वाली चीजें होगी। तो मैं सस्ती मेरा क्या है, डोसे का, और मैं इसको तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि मेरा ये मेरा जीरो हो गया, तो बचा कितना, 5x = 100, तो x = 20 और y = 0। अगर यहीं पे अगर 3 अगर होता तो मैं प्राइसेस ऑफ पिज्जा को मैं लेता, ठीक है, और मैं x को नहीं लेता, मैं y सारा लेता, तो ये टर्म मेरा 0 हो जाता, 10y = 100, तो y = उस वक्त 10 होता, तब मेरा आंसर b होता। ठीक है, ओके। डे 6010 क्वेश्चन नंबर 7। मुझे गाइस यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है कि u = x + y² मतलब हाफ फॉर x y > 0। एग्जिबिट कौन सी एग्जिबिट करती है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज है एक्स वाई, मतलब ये मुझे दे रखी है, मुझे एक यूटिलिटी फंक्शन क्या दे रखी है कि √x + y, सेम चीज। ठीक है, ये मुझे दे रखी है। अब मुझे बताना है गाइस कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS बतानी है, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज मुझे बताना है कि ये मेरा इंक्रीजिंग MRS है या फिर मेरा कांस्टेंट MRS है या फिर डिमिनिशिंग MRS है या फिर मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज है या फिर क्या है, ये चार ऑप्शन से आपको बताना है। मतलब आपको दो चीज़ें चेक करनी है, एक आपको चेक करनी है MRS और दूसरी चेक करनी है मार्जिनल यूटिलिटीज। ठीक है, ओके गाइस, MRS इज इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यही तो होता है ना, डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, यही चीज होती है। ओके, तो एम यू डेल यू बाय डेल एक्स, इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करो, डेल यू बाय डेल एक्स के साथ अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा ना 1/2√x + y (1), तो गाइस बेसिक डिफ्रेंशिएशन 1/2√x + y, सेम सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई, सेम चीज आएंगे √x + y,
तो दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना वन, मतलब मेरा कांस्टेंट एमआरएस है, एमआरएस मैंने क्या है गाइस कांस्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी कांस्टेंट एमआरएस, ठीक है कांस्टेंट एमआरएस, सो सी इज ऑप्शन इज करेक्ट। उसी तरह से आप इसका मार्जिनल यूटिलिटीज निकाल लेना गाइज, मार्जिनल यूटिलिटीज आप ऐसे निकालोगे लाइक आपको क्या दे रखी है कि यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हाफ आपको ये दे रखी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मुझे निकालना है, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स प्लस वाई। अब मुझे पूछा गया कि क्या है डिमिनिशिंग है या फिर इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटीज है, तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे इसको, फिर अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स करेंगे, ठीक है तो इसको जब करेंगे तो माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस वाई माइनस थ्री बाई टू, ये माइनस आई है साइन माइनस, तो ये लेस देन जीरो है, तो मतलब ये मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज है जो कि ऑप्शन सी में मेरा दिया हुआ था, ठीक है सिंपल गाइस। आपको मार्जिनल यूटिलिटीज निकालना है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज, ओके ओके। डीएससी 2010 क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सपोज दैट देयर आर टू गुड्स x1 एंड x2, कंसीडर अ कंज्यूमर हु कंज्यूम x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल इनकम लेबल W greater than equal to 0, all the prices, मतलब prices positive है और income भी जो है मेरा positive है, okay? But मैं X2 को consume नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ X1 को ही, मेरे पास दो option है, X1 और X2, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार मुझे X2 नहीं लेना है, मैं सिर्फ X1 को ही consume कर रहा हूँ। Guys, मेरे पास अगर दो option है X1 और X2, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे X1 जो है, मुझे X1 जो है सिर्फ मैं X1 को ही मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और X2 मैं 0 कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं जब इस टाइप के वर्ड में जब बोलूँगा ना, तो मेरा मतलब है कि मैं X को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ X2 को नहीं, तो मेरी प्रेफरेंस क्या होगी लेक्सिकोग्राफिकली, इसी को तो बोलते हैं ना लेक्सिकोग्राफिकली। जैसे सपोज कि बियर, सपोज बियर है और फूड है, दैट इज बेसिक एग्जाम्पल जो कि वेरियन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे बियर या वाइन, सपोज लाइक वाइन, ठीक है वाइन है और एक फूड है, ओके तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार मुझे वाइन में जो है मेरी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फूड, मुझे फूड अब ना दो, मुझे जीरो दो, बट मैं वाइन को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, सो ए इज ग्रेट, ए इज स्ट्रिक्टली प्रीफर्ड टू बी, ओके ए इज स्ट्रिक्टली प्रीफर टू बी, मैं कर रहा हूँ मुझे फूड मत दो बट मैं वाइन को मैं ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, तो इस टाइप की जब भी मेरी प्रेफरेंसेस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफर X1 टू X2, कि X1 को मैं लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफर कर रहा हूँ ओवर द X2, ओवर द X2, ठीक है। सो डी आई थिंक डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके this is the answer. Okay guys, okay 37 आपको दे रखी है कि consumer has a utility function u equal to xy, that is Cobb-Douglas. Suppose the consumer demand bundle x star y star. Now suppose that the seller of good x offer buy one get one scheme, ठीक है बाय वन गेट वन की, सपोज कि मैं मार्केट गया और मार्केट से मैं सपोज कि एक शर्ट लिया, तो मैं एक शर्ट अगर ले आऊँ तो मुझे एक शर्ट एक्स्ट्रा मिलेगी क्योंकि बाय वन गेट वन ऑफर है, तो वन शर्ट तो मैं खरीदा फिर मुझे एक शर्ट इस स्कीम के तहत मिला, दैट इज टू, ओरिजिनल मेरे पास क्या मिला, टू ही तो मिला, बाय वन गेट वन, ओके फ्री स्कीम। फॉर ईच यूनिट ऑफ द गुड एक्स परचेज द कंज्यूमर गेट अनदर यूनिट ऑफ एक्स फ्री, अगर आप एक्स यूनिट खरीदोगे तो आपको एक्स यूनिट फ्री मिलेगी, दैट इज 2x, ओके 2x। सो गिवन दिस स्कीम, सपोज द कंज्यूमर बायज बंडल एक्स डी वाई डी, सपोज कि अगर मैं एक्स डी वाई डी अगर मैं क्वान्टिटी अगर खरीदता हूँ, ठीक
ठीक है, एंड गेट्स एन एडिशनल एक्स डी फॉर द फ्री अगर मैं एक्स डी, क्योंकि ऑफर सिर्फ एक्स के लिए ही है, वाई के लिए कुछ ऑफर नहीं है, अगर मैं एक्स डी अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे और एक्स डी मिलेगा, सो दैट इज टू एक्स डी, ठीक है, टू एक्स डी। तो आपको बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ए ट्रू, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ गाइज। गाइज मुझे यूटिलिटी फंक्शन क्या दे रखी थी, यू इक्वल टू एक्स वाई, ओके, और मैं इसका बजट लाइन लिखता हूँ एम इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई, ओके। गाइज ये मेरी कॉब डगलस है, जब कॉब डगलस होती है तो डिमांड फंक्शन क्या होती है, मार्सेलियन डिमांड फंक्शन, दैट इज एम बाय टू पी एक्स, ओके। उसी तरह से वाई स्टार क्या हो गया, एम बाय टू पी एक्स, सॉरी एम बाई टू पी वाई, बेसिक मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ठीक है गाइस। या फिर आप बेसिक मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप बता सकते हो। देखो कैसे, आपको यूटिलिटी फंक्शन यू इक्वल टू एक्स वाई मुझे दे रखी थी, ओके ओके, बट मैं मार्केट गया, मैं कितना खरीद रहा हूँ एक्स डी, ठीक है, मैं एक्स डी खरीदा तो मुझे एक्स डी फ्री मिला, अब मैंने कितनी होगी टू एक्स डी होगी, तो मैं टू एक्स डी यहाँ पर पुट कर देता हूँ, सो यू इक्वल टू टू एक्स डी वाई डी, ठीक है गाइस। सेम चीज, सेम चीज ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। जब मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है गाइस तो मेरा एम आर एस सेम होती है और डिमांड फंक्शन भी मेरी एज इट इज ही रहेगी, आप निकाल के देख लेना, ठीक है, डिमांड फंक्शन भी एज इट इज ही रहती है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो मैं फटाफट इसका आंसर मैं बता सकता हूँ कि जो मेरा ऑप्शन होगा वो आई थिंक सी या डी, ओके। सो ओके सो या सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके। सिंपल गाइज, मुझे ये दे रखी थी, मैं मार्केट गया, मैं मार्केट में खरीद रहा हूँ एक्स डी, एक्स डी मैंने खरीदा, मुझे मिला कि कितना फ्री एक्स डी, दैट इज टू एक्स डी, और मैं वाई डी पे था तो मैं यहाँ पे बस इस पुट कर दिया y इक्वल टू टू एक्स डी वाई डी, टू एक्स डी वाई डी, ओके, टू एक्स डी वाई डी। और मैं देखा कि यार ये तो दोनों मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ही है, एक्स वाई और टू एक्स एक्स डी वाई डी, तो डिमांड फंक्शन भी तो सेम ही होगा, एम आर एस भी तो सेम ही होगा, तो इसीलिए एक्स डी और एक्स स्टार भी सेम है और वाई डी और वाई स्टार भी सेम है, गॉट इट। Guys, any doubt? Any problem? Okay. Okay. So. DSC 2011. क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। गाइस यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है कि यू इक्वल टू मीन ऑफ 2x1 प्लस x2, x1 प्लस 2x2, ठीक है, जैसे वहाँ पे था कुछ x प्लस 2y के टर्म में x प्लस y और 2y था, तो मुझे अब ये दे रखी है 2x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। गाइस सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आईआईटी कानपुर के क्वेश्चंस में 2023 का, आईआईटी जेम में भी रिपीट हुआ है 2022 में, 2023 में, आईआईटी गेट में भी रिपीट हुआ है 2021 या 22 में, ठीक है, सेम डिट्टो क्वेश्चन गाइस, डिट्टो, ठीक है, और आईएसआई में भी इस टाइप से दो तीन बार आ चुका है, सेम डिट्टो, मीन ऑफ एक्स वन टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ठीक है, बेसिक मतलब नो लाइक ये एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, ठीक है, स्टैंडर्ड, ओके। सो गाइज जब भी आपको इस टाइप के फंक्शन दिखे कि u इज इक्वल टू मीन ऑफ टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ठीक है, एक बार टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस टू एक्स टू, अब जब भी इस टाइप के देखे तो इसका स्टैंडर्ड इंडिफरेंस कर्व ये होता है,
जैसे वो था ना मेरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एल शेप्ड, तो बस आप करना है क्या कि एक 45 डिग्री का लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ और यहाँ पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है, यहाँ का स्लोप लेना टू, गाइज ये वाला स्लोप एक कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी हुई, टू हुई, ये टू वाला स्लोप हो गया और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दैट इज वन बाई टू, तो वन बाई टू कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से, ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड आई सी कर्व हुआ, ठीक है, आप बस इसको याद कर लेना गाइज, ये इसका स्टैंडर्ड इंडिफरेंस कर्व हुआ, ओके, तो मुझे पता चला कि इंडिफरेंस कर्व बन गया और हर इनकम इज 100, अब इसकी इनकम जो है 100 है, प्राइसेस ऑफ पी वन इज 20 एंड द प्राइसेस ऑफ पी टू इज 30, द अमाउंट ऑफ एक्स वन इन द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल इज व्हाट, ओके, व्हाट क्या होगी इसकी, तो मैं सबसे पहले इसकी बजट लाइन लिखता हूँ गाइस, इनकम इज इक्वल टू 20x1, वही एक्स 20x1 प्लस पी टू का दाम की कितना है, दैट इज 30x2, ठीक है, अब मैं गाइस निकालता हूँ स्लोप ऑफ द बजट लाइन, इसकी स्लोप निकालता हूँ, इसकी गाइस मैं स्लोप निकालूंगा, तो कोफिशियंट ऑफ x1 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x2 दैट इज 30 इज इक्वल टू 2/3, और ए वाला स्लोप क्या है 2, ए वाला स्लोप क्या है हाफ, बट मुझे जो स्लोप है बजट लाइन का वो 2/3 है, ओके 2/3, गाइज 2/3 इज ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन टू, ओके, तो ओके, सो मैं कहाँ पे इसको एडजस्ट करूँ, मेरा 1/2 से तो बड़ा है, ठीक है, 1/2 से बड़ा है, ठीक है, तो जब भी इंक्रीज होता है गाइस, जैसे मैं आपको बताया था एक चीज कि जैसे सपोज कि ये मेरी बजट लाइन है, ठीक है, तो जब भी मेरी प्राइसेस अगर बढ़ती है ना, तो मैं चाहे उसको स्टीपर यहाँ से करूँ या फिर मैं उसको स्टीपर यहाँ से करूँ, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, चाहे आप उसको स्टीपर यहाँ से करो या फिर आपको यहाँ से करो, सेम चीज़, वैसे ही फ्लैटर के केस में, ठीक है, वैसे ही गाइस फ्लैटर के केस में होगा, सपोज कि जैसे मैं फ्लैट, ये मेरा ओरिजिनल था, जब प्राइसेस कम होती थी तो मैं चाहे यहाँ से फ्लैट करता था या फिर यहाँ से फ्लैट करूँ, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, चाहे यहाँ से करो या यहाँ से करो, वैसे ही स्टीपर के केस में, चाहे आप यहाँ से स्टिप करो या फिर आप यहाँ से स्टिप करो, ठीक है, तो मुझे 1/2 से क्या है बड़ा है, ठीक है, स्टीप है, तो मैं उसको स्टिप यहाँ से लिखता हूँ, जैसे स्टिप, ये मेरा क्या बना कि दैट इज अ स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ये मूव करा उसको हायर की तरफ, ये जब हायर होगा तो कुछ इस टाइप से होगा ये वाला, ठीक है, तो इस किस पॉइंट पे गाइज ये मैक्सिमाइज हो रहा है, x1 इक्वल टू x2 वाले पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो जस्ट यहाँ पे गाइज पुट कर देना है कि x1 और x2 मेरा बराबर है, तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 20x1 प्लस 30x2, अब x2 की जगह मैं पुट कर दूंगा x1, ठीक है, तो ये बन गया 50x1, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 50x1 इज इक्वल टू 100, सो x1 इज इक्वल टू क्या होगा 2, सो मुझे x पूछा है, x1 पूछा है, तो x1 कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 2 यूनिट कंज्यूम करेगा, ठीक है, सो 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कैन आई मूव गाइस, यस सर, ले सेम चीज है, तो मैंने 41, आप मुझे 42 का गाइस जल्दी से बताओ कि 42 का आंसर क्या होगा, सेम है, डिट्टो है, तुरंत प्लीज मुझे कोई एक रिस्पांस दे 42 का, सेम, अब मेरा यहाँ पे कंपेयर करना है P1 by P2 क्या है 10/30 प्राइस ऑफ द बजट लाइन, तो ये 1/3 है गाइज, तो
तो 1/3 इज लेस देन हाफ, तो अब मेरी बजट लाइन कैसे होगी? तुरंत गाइस को मुझे बताएं इसका आंसर। ए मेरी है 2, ए मेरी है हाफ, बट मेरी बजट लाइन किस लोग लेस देन है, लेस देन है, ठीक है? तो गाइस मुझे तुरंत इसका आंसर आप लोग बताइए कितना आंसर होगा इसका, फटाफट गाइस, कोई भी एक। 0 बिल्कुल ही रॉन्ग। और कोई दूसरा सर? 10 या 10 इज अ करेक्ट ऑप्शन, 10 इज अ करेक्ट ऑप्शन। गाइस क्या मैंने बोला कि बजट लाइन का स्लोप जैसे ये वाला, अब मेरी प्राइसेस कितने हो गए 10, सो 10 एक्स प्लस 30 वाई, या फिर x1 x2 आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, x1 y xy, ठीक है, इज इक्वल टू इनकम कितना था 100, ठीक है 100 मेरा इनकम था। अब मैं इसकी अगर स्लोप गाइज अगर निकालूंगा, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, तो ये कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ y, वही तो मैंने लिखा 1/3, और 1/3 लेस देन हाफ है। तो मैं आपको बोला ना कि जब भी अगर लेस होता है, सपोज ये मेरा ओरिजिनल है, चाहे आप उसको यहाँ से फ्लैटर करो, आप यहाँ से फ्लैटर करो, तो वो सेम चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से इसको फ्लैट करता हूँ, 1/2 से कम है, तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं इस, ये मतलब बजट लाइन है, अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो दोनों कहाँ पे टच होगा, इस पॉइंट पे टच होगा ना, तो मतलब मैं सारा का सारा जो अब मैं कंज्यूम करूँगा वो एक्स यूनिट पे ही तो कंज्यूम करूँगा, वाई तो मेरा 0 हो गया, तो वाई मेरा 0 हो गया, ये मेरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब मेरा क्या बचा, 10x इज इक्वल टू 100, सो एक्स इज इक्वल टू 100/10, so that is 10, or y is equal to 0, so a is a correct option, ठीक है। मैं आपको इस टाइप की आप जब भी देखेगा इस, तो आपको क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि देखो ये इसके डेरिवेशन भी होती है, ये वाला जो है ना, ये वाला ए, इसकी डेरिवेशन भी होती है, बट इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, ठीक है। आई थिंक अगर उसको मैं करूँ तो आधा घंटा टाइम लग जाएगा उसमें, इसके डेरिवेशन की, ये ग्राफ कैसे आया, ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप याद कर लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, तो आप क्योंकि काफ़ी बार इस टाइप के जो प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, तो आपको बस ये वाला आपको याद कर लेना कि ये इसका इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ गाइस लिखा देता हूँ, आप ये चीज़ लिख लीजिए, मैं ये चीज़ आपको लिखाता हूँ कि जब भी मेरी यूटिलिटी फंक्शन अगर मीन ऑफ एक्स प्लस 2y या फिर 2x प्लस y अगर रहा पहला, दूसरा काम क्या है कि इसकी इंडिफरेंस कर वैसे बना लेना, ये सिर्फ इसके लिए है, x प्लस 2y 2x प्लस y का मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी चेंज होगी तो फिर उसकी इंडिफरेंस कर भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, तो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो एक इसकी स्लोप 2 और इसकी स्लोप हाफ, ओके, ए टू स्लोप हाफ और दिस इज हाफ, ठीक है। दूसरी काम, तीसरी काम आप ये करना है कि आप कंपेयर करना, कंपेयर स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना, स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व को, ठीक है। तो जब अगर केस वन, ठीक है, ए पार्ट ए, पार्ट ए अगर बजट लाइन की स्लोप लेस देन इंडिफरेंस कर्व आएगी, बजट लाइन की स्लोप लेस देन इंडिफरेंस कर्व की आएगी, आंख मूंद के बोल देना कि कंज्यूम ऑल एक्स, जो पार्ट 42 वाला जो क्वेश्चन था, कंज्यूम ऑल एक्स स्टार, ओके। उसी तरह से बी, अगर बजट लाइन ग्रेटर देन इंडिफरेंस करवाएगा, आंख मूंद के बोल देना कंज्यूम ऑल ऑफ वाई इस केस में। लेकिन ये केस तभी वैलिड होगा जैसे गाइस मेरा यहाँ पे क्या स्लोप क्या है, 2 है और 1/2 है, ठीक है। जैसे कि मैं
यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ। तो मेरा स्लोप क्या है गाइस, सपोज दिस इज अ रेंज कि ये मेरा हाफ है और ये मेरा टू है, यही तो मेरा स्लोप है ना। चाहे मेरा वन बाई टू से कम आएगा या फिर वन बाई टू से लेकर टू के बीच में आएगा या फिर टू से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगा, यही मेरी स्लोप की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, चाहे मेरा वन बाई टू से कम या फिर इक्वल टू टू या फिर हाफ से टू के बीच या फिर इक्वल टू टू या फिर टू से ग्रेटर। ठीक है, तो जब लेस देन हाफ होगा ना, ये वाला लेस देन हाफ कुछ भी दिया हुआ है, आपको देखना नहीं है क्वेश्चन में, आंख मूंद के आपको बोलना है कि ऑल ऑफ एक्स कंज्यूम करेगा। टू से अगर बड़ा रहे, आंख मूंद लेना है और बता देना है कि ऑल ऑफ वाई कंज्यूम करेगा। और वन बाय टू से टू, टू को टच नहीं कर रहा है, वन बाय टू से टू के बीच में अगर कंज्यूम करेगा तो बता देना है कि दोनों इक्वल पॉइंट पे रहेगा, एक्स वन और एक्स टू जो बराबर पॉइंट पे रहेगा, ये वाला लाइन पे रहेगा, ये वाला लाइन पे रहेगा। ठीक है, ए वाला पॉइंट, ए वाला लाइन पे रहेगा, ऑलवेज ए वाला लाइन पे रहेगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट को अब याद कर लेना, बस आपसे बजट लाइन के स्लोप को निकालना, बजट लाइन के स्लोप डायरेक्ट आप उसको आंसर मार दूंगा, ये तीन पॉइंट अगर आपको याद रह गया तो। ओके गाइस, ये मुझे तुरंत बताइए, डीएससी 2014 क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर बी थिंक्स चीज इज एडिक्टिव, द मोर यू ईट द मोर यू वांट, एडिक्टिव है, जितनी ज़्यादा आप उसको खाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करने से। क्यों? क्योंकि वो गुड एडिक्टिव है। ठीक है, एडिक्टिव गुड है। ओके, सपोज एक्स डिनोट द क्वांटिटी ऑफ चीज, सो मिस्टर दीज यूटिलिटी फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाट। ओके, अगर एक्स, अगर वही गुड जो एडिक्टिव वाले गुड है, अगर मैं उसको एक्स से अगर मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है, ओके, तो मुझे बताइए कि इस चार यूटिलिटी फंक्शन में से जो मेरी एडिक्टिव वाली गुड्स की क्या होगी, कोई एक गाइस बताइए, ए बी सी डी क्या आंसर होगा तुरंत। A, sir. Yes, A is the correct option. How? कैसे आपने A बताया? जरा बताएंगे आप? क्यों? मतलब आपने A बताया, ठीक है, आंसर इसका ये है, बट आपने कैसे ये बताया? बताइए। Lexicographic preference का वो था कि लेक्सिकोग्राफी तो यहाँ पे एडेक्टिव अगर है तो जरूरी नहीं कि वो जरूरी नहीं कि वो लेक्सिकोग्राफी प्रिफरेंस ही हो। ठीक है, एडेक्टिव अलग चीज़ होती है, लेक्सिकोग्राफी अलग चीज़ होती है, एडेक्टिव में आपकी इंडिफरेंस कर बनती है, बट लेक्सिकोग्राफी में कोई भी इंडिफरेंस कर नहीं होती है, द पॉइंट इज इट्सेल्फ इंडिफरेंस कर। इसलिए डीएससी 2017 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व ऑफ लेक्सिकोग्राफी, तो उसकी कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं होती है, बट एडिक्टिव की हो सकती है, अलग अलग चीज़ है ना, एडिक्टिव अलग चीज़ है, और यू नो लाइक की और लेक्सिकोग्राफी अलग चीज़ है। देखो, एडिक्टिव चीज़ें का मतलब बस आप इतना याद रखना कि एडिक्टिव हम उसे बोलते हैं जहाँ मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद डबल डेरिवेटिव ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए गाइस। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आप एक बार निकालो, फिर दूसरा बार फिर उसको निकालो, चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी, ये पॉजिटिव। जैसे मैं इसकी अगर बात करूँ, इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो टू एक्स आएगा, फिर अगर मैं इसको एक्स के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो टू आएगा,
तो टू इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, सो दैट इज एडिक्टिव इन नेचर, यही सेटिस्फाइड हुआ ना। उसी तरह से x का निकालोगे तो क्या होगा, 1 by x, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस 1 by x, तो ये मेरा एडिक्टिव नहीं है, ये मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज को फॉलो कर रहा है। उसी तरह से इसका x, x का निकालोगे तो 1, फिर इसका डबल डेरिवेटिव 0, ठीक है, उसी तरह से इसका, ठीक है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। बस जहाँ पे भी एडिक्टिव देखे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना, फिर उसी को मतलब दो बार निकालना, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना x के साथ, फिर और एक बार इसको डिफरेंशिएट करना, अगर पॉजिटिव आया तो मेरा एडिक्टिव गुड है, सिंपल, ठीक है, सो ये इज करेक्ट ऑप्शन। एनी डाउट? नो सर।